किस तरह अपने मुदाफती निजाम को अच्छा करें और नज़ला जुकाम खांसी मुख्तलिफ वबाई अमराज एलर्जी से बचे रहें। आज हम अपने इम्यून सिस्टम और उससे मुंसलिक लिम्फैटिक सिस्टम के बारे में कुछ बातें करेंगे। माय नेम इज हकीम मुकीम मुसलीन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इफ यू आर न्यू हियर एंड यू वांटेड टू लर्न मोर अबाउट योर हेल्थ हर्ब्स हीलिंग एंड वेलबीइंग कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द हकीम मुसलीन चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन बिलो सो यू नेवर मिस एन अपडेट। अरे आप लोग कौन है, यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे आप तो हमारे खून के व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। थैंक यू हकीम साहब, आपके पास एक शिकायत लेकर आए हैं। We heard about your topic today and thought to let you know why we are not happy. People are not taking care of us. Please help. Wait. Let me tell our audience about you and your importance in our bodies. चलिए कुछ बातें हम अपने इम्यून सिस्टम के बारे में करते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम और उससे मुंसलिक लिम्फैटिक सिस्टम हमारी एक फौज या मिलिट्री की तरह काम कर रहा है। ये उस वक्त मुतहरिक होता है जब कोई वायरस बैक्टीरिया पैरासाइट या फंगाई हमारे जिस्म में बाहर से एंटर होते हैं। दिस सिस्टम प्रोटेक्ट्स अस जस्ट लाइक अ शील्ड फ्रॉम आवर एनिमीज। हमारा मुदाफती निजाम अगर ना होता तो हम ज्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रहते। ये हमारा निजाम मुदाफती निजाम हमारे ना सिर्फ बाहर से आने वाले मुख्तलिफ पैथोजन से नहीं हमें रोकता और हमें बचाता बल्कि हमारे अंदर के मुख्तलिफ खराब सेल से जैसे कैंसर सेल्स उनसे लड़ने की हमें ताकत देता है। इंसान हर जगह और हर हालात में जिंदगी गुजारता है मगर ये अपने जहन या अपने सोशल स्किल्स की वजह से नहीं बल्कि अपने अंदर के इम्यून सिस्टम की वजह से हर इलाके बदतरीन हालात और हर जगह को एडॉप्ट कर लेता है। अवर सोशल स्ट्रक्चर इज हैविंग बेस्ड ऑन अवर इम्यून सिस्टम। जस्ट इमेजिन कि अगर हमारे शहर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ये रोड ये सड़कें ये गाड़ियां हमारे जिस्म का एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है बिल्कुल उसी तरह हमारे शहर का ड्रेनेज सिस्टम हमारे जिस्म का लिम्फैटिक सिस्टम। हमारे शहर का ड्रेनेज सिस्टम जिस तरह हमारे शहर को साफ सुथरा रखता है बिल्कुल उसी तरह हमारा लिम्फैटिक सिस्टम हमारे जिस्म को साफ सुथरा रखता है। लेट मी एक्सप्लेन इट फर्दर। ये नदी नाले और गंदे पानी की मुख्तलिफ नालियां और अंडरग्राउंड गंदी नालियां हमारे शहर के गंदे पानी को पानी के बड़े जखीरे जैसे दरिया और समंदर में फेंक देती है। बिल्कुल उसी तरह हमारे लिम्फैटिक सिस्टम की छोटी बड़ी नालियां हमारे लिम्फैटिक मवाद और उसमें शामिल खतरनाक अनासिरों को मारती हुई छानती हुई दोबारा हमारे खून में डाल देती। द स्प्लीन हमारे जिस्म की दिल इट एक्ट्स लाइक अ फिल्टर फॉर आवर ब्लड। इट कैन किल सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया इन आवर बॉडी। हमारे टॉन्सिल्स भी हमारे लिम्फैटिक सिस्टम का एक हिस्सा है। यू नो वी कैन लिव विदाउट आवर स्प्लीन बट दैट्स अनदर डिस्कशन। हमारे जिस्म की तिल्ली और उससे मुंसलिक तकरीबन 600 लिम्फैटिक नोड्स हमारे लिए हमारे दुश्मन से हर वक्त लड़ते रहते हैं और इस लड़ाई में सबसे आगे हमारे खून के व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं। अरे आप फिर आ गए? Yes, sir. Don't forget, we are in your 5 liters of blood. For every 1,000 red blood cells, there is only one of us. Exactly what this little one said. जी ये हैं आपके व्हाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स आपके जिस्म में ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं सप्लाई कर रहे हैं और ये चंद व्हाइट ब्लड सेल्स आपके मुहाफिज हैं आपके लिए बहुत जरूरी हैं इम्यूनिटी के लिए। खून के सफेद खलिये व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और WBC ये बिल्कुल उसी तरह से काम करते हैं जैसे आपके शहर में मुख्तलिफ इदारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। कोई दुश्मनों से लड़ता है तो कोई कचरा ठिकाने लगाता है। इनमें से कुछ का काम तो इन इन्वेडर्स को याद रखना होता है उनको रजिस्टर्ड करना होता है उनकी आईडी को याद रखना होता है ताकि मुस्तकबिल में आने वाले उन जैसे दूसरे इन्वेडर से ये WBC लड़ सके। ये व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स
आपके जिस्म में आपकी हड्डियों के गुदे में बनते हैं जो बोन मैरो है। आपके खून के एक कतरे में तकरीबन 5000 से 10000 वाइट ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं और आपके जिस्म की तिल्ली एक बहुत बड़ी गुठली है जहां पे आपके ये वाइट ब्लड कॉर्पसल्स मिलते हैं, कुछ अपना काम भी छोड़ देते हैं, कुछ वहां पे आराम भी करते हैं। आपको अपने जिस्म और अपने शहर दोनों की हिफाजत करनी है। इस तरह आप सेहतमंद जिस्म के साथ अच्छी और साफ सुथरी आबो हवा में रह सकते हैं। जैसा कि पहले मैंने कहा कि आपके जिस्म का लिम्फैटिक सिस्टम आपके शहर के ड्रेनेज सिस्टम की तरह है। कूड़े का ढेर, सड़कों पर पड़ा गंदा पानी और उबलते गटर आपके शहर को खराब करते हैं और जैसे अनफिल्टर्ड सीवेज वाटर किसी बड़े समंदर या दरिया में जब गिरते हैं तो वबाई अमराज और मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस बनते हैं। तो इसीलिए आपको अपने इम्यून सिस्टम की हिफाजत करनी, उसे सेहतमंद बनाना। याद रखिए कभी कभार आपको नजला, जुकाम, खांसी और बुखार आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपके जिस्म में बाहर के इन्वेडर्स, बाहर के पैथोजेंस ने हमला किया है और आपका जिस्म उनसे लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है। बुखार का होना एक अच्छी अलामत है, या यूं कह दें कि बुखार का होना एक अलामत है कि आपका जिस्म, आपका मुदाफ़ी निज़ाम काम कर रहा है। मगर हमारा ये मुदाफ़ी निज़ाम कभी कभार धरम बरहम भी हो सकता है और इससे हमें काफी नुकसान हो सकता है। एग्जैक्टली लाइक इन अवर सिटी व्हेन वी डोंट फिक्स अवर हैबिट्स ऑफ लिटरिंग और व्हेन वी डोंट केयर अबाउट अवर ड्रेन सिस्टम एंड वी डोंट फिक्स द प्रॉब्लम्स इन अवर ड्रेन सिस्टम। अनदर थिंग, व्हेन वी आर इन स्ट्रेस अवर बॉडीज प्रोड्यूस अ स्ट्रेस हार्मोन वी कॉल इट कॉर्टिसोल। Having a right amount of cortisol is good for our body, but its excessive amount could be harmful and it's not good for our immunity. How about sleep? Having a terrible sleep schedule can affect your learning abilities and memories. Please, achhi neend le aur neend lene ke liye medicines or sleeping pills ka istemal na karein. Ye aapko aapke zehen ka आपके जहन को कमजोर करती है और आपको इनका आदि बना देती है। एंड व्हेन वी डोंट गेट अ गुड स्लीप आवर वाइट ब्लड कॉर्पसल्स फॉरगेट एंड दे डोंट रजिस्टर द पैथोजेंस एंटरिंग इनटू आवर बॉडी एंड दिस वे दे विल हैव अ हार्ड टाइम टू फाइट विद दीस एक्सटर्नल आउटसाइडर्स इनवेडर्स बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो मेहरबानी करें, अच्छी और गहरी नींद लें, नेचुरल नींद लें, उसके लिए कोई स्लीपिंग पिल्स ना लें। कोशिश करें, आपकी कोशिश आपको एक अच्छी नींद की तरफ लेके जरूर जाएगी। अरे आप फिर आ गए, नाउ व्हाट? यू आर फॉरगेटिंग वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग हकीम साहब। जी, रिसर्च से पता चला है कि अच्छा सोचना और मजबूत अंदाज से अपनी जिंदगी को देखना हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अहम है। हमें अपनी जिंदगी में शुक्रगुजारी की आदत डालनी चाहिए। खुश रहते हुए दूसरों को खुश रखना ही असल जिंदगी है और अंदर की खुशी से और कंटेंटमेंट से हमारे जिस्म में न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन बनते हैं जो हमें स्ट्रेस से निजात दिलाते हैं और यूं हमारी इम्यूनिटी और अच्छी होती है। हमारे अच्छे मूड के लिए और इंटरनल मोटिवेशन के लिए डोपामिन इंतहाई अहम है। Alright, what should we do to boost our immunity? हमें यखनिया और सूप का इस्तेमाल करना चाहिए जिनसे हमें इलेक्ट्रोलाइट्स और प्रोटीन मिलते हैं। हमें दही और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिनसे हमें विटामिन्स और पॉलीसैचुरेटेड फैट्स मिलते हैं। पॉलीसैचुरेटेड फैट्स हमारे जिस्म में अच्छी चिकनाई का जरिया बनते हैं। अदरक और दालचीनी का कहवा भी बहुत अच्छा है और हो सके तो 1 ग्राम पिस्तशीरी शहद के साथ सुबह लेना चाहिए। पिस्तशीरी एक बड़ी आजमूदा जड़ है जो सदियों से अच्छी इम्यूनिटी के लिए इस्तेमाल की जा रही है। क्या आपको पता है कि खवातीन में इम्यूनिटी बहुत ज्यादा होती है? They have an excessive amount of white blood corpuscles in their blood, and this excessive amount can kill the good bacteria and microorganisms.
And for that reason, they have autoimmune diseases, more autoimmune diseases. जी, इसमें आपका अपना मुदाफ़ती निज़ाम आपके अपने खिलाफ हो जाता है. फॉर दैट रीजन कलौंजी और मेथी दाने का इस्तेमाल आपके लिए बहुत अच्छा है. सो ईट हेल्थी, गेट इनफ स्लीप, एक्सरसाइज एंड डोंट स्ट्रेस अबाउट स्टफ. रिमेंबर ऑलवेज प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड. खुदा के लिए अपने आप को और अपने बच्चों को खास तौर पर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और एंटीबायोटिक दवाइयों से बचाएं. इस तरह से आपका और आपके बच्चों का मुदाफ़ती निज़ाम अच्छा होता है. आखिर में मैं इतना कहूँगा कि बहुत ज़्यादा साफ सुथरा रहना और बहुत ज़्यादा सफाई के लिए कसरत से केमिकल का इस्तेमाल आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा नहीं है. बहुत ज्यादा साफ सुथरा एनवायरमेंट, अल्ट्रा क्लीन एनवायरमेंट आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम कर देता है और इस तरह आपकी इम्यूनिटी मुतासिर होती है. साफ सुथरा रहें और साफ सुथरा खाएं, मगर इसके लिए जहनी और जिस्मानी परेशानी ना लें. वो किसी ने खूब कहा कि अजीज इतना रखें कि दिल बहल जाए, अब इतना भी ना चाहें कि जान निकल जाए. Don't forget to subscribe to the Hakeem Muslim channel so you never miss an update.